हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बलराम दास और आप लोग देख रहे हैं राम इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज एक नया वीडियो लेके आए हूं आपके पास, जो कि खास वीडियो है क्योंकि हमारा इस जो माइक्रोडेक इन्वर्टर है तो इस पर हमारा चार्जिंग का लूप्स यहां पर इंडिकेटर शो करता है, लेकिन पंखा इसका जो एम्पियर है वो निकल नहीं रहा है। हमारा जो चार्जिंग का एम्पियर देना चाहिए बैटरी में वो नहीं निकल रहा है हमारा यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं इस कार्ड को अपने, आप देख सकते हैं इस कार्ड का जो है वो बिल्कुल आउटपुट अगर सब क्लियरली दे रहा है, पर दे रहा है, और एसी का भी आउटपुट दे रहा है इसमें। सिर्फ आपका इस कार्ड का जो प्रॉब्लम है, मतलब कंप्लीट सही दे रहा है, लेकिन चार्जिंग का लूप्स भी यहाँ पर दिखाता है लेकिन आपका चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो उसके बारे में बताएंगे, जो कि भैया देख सकते हैं। मैं एक बार पावर इसका दे के दिखाता हूँ आप लोगों को, जो मैंने इसमें पावर दे दिया हुआ, अभी पावर यहाँ पर आएगा, देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो आ रहा है। ठीक है, तब इसमें जो एम्पियर निकलना चाहिए वो नहीं आ रहा है। देख सकते हैं हमारा जो पंखा है वो भी हमारा घूम नहीं रहा है, जो पंखा है यहाँ का वो दिखाओ, ये वाला पंखा है देख सकते हैं, ये घूम नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पर लूप्स दिखा रहा है देख सकते हैं चार्जिंग का। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सही किया जा सकता है तो मैं कुछ प्रॉब्लम यहाँ से बताऊँ बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, तो ठीक है, तो इसमें हमने पावर दे दिया हूँ यहाँ पर, तो देख सकते हैं हमारा जो चार्जिंग है वो अभी डांस नहीं कर रहा है, कभी कभार आता है कभी कभार नहीं आता है। ठीक है, तो इस पर हम अभी चेक करेंगे मल्टीमीटर से, तो मल्टीमीटर को हम रखेंगे यहाँ पर एसी मोड पे। ठीक है, तो एसी मोड पे हम लोग रख लिया मल्टीमीटर। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इस पिन को न्यूट्रल आ रहा है, यहाँ पर सबसे पहले आपको टेबल्स, तो सबसे पहले हमको इसको ऐसे चेक कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको ऐसी आ रहा है 232 ऐसी हमको दिखा रहा है, जो मैंने जो पिन पे अभी ट्रांसफर कर रहा हूँ, देख सकते हैं ये पिन हो गया न्यूट्रल और ये हो गया हमारा ऐसी इनपुट। तो हमारा उसके थ्रो और एक बी पिन हमको चेक करना पड़ेगा, एसी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या ये जो इनपुट है एसी का फ्रेज वाला। ठीक है, तो फ्रेज से हमारा एक फ्यूज लाइन भी आता है, जो फ्यूज ब्लूम करके आता है इस नंबर पिन पे, इस पे भी हमको एसी मिलना चाहिए। यहाँ पर जितना आएगा हमको यहाँ पर भी उतना वोल्टेज आना चाहिए, जैसे 230 यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर भी हमको 230 मिलना चाहिए, तभी आपका ये चार्जिंग स्लोप आएगा, नहीं तो आपका चार्जिंग स्लोप्स नहीं आएगा। तो हम पावरली इस पे भी चेक करते हैं, तो ये पिन आपको कहाँ से आएगा, ये पिन आपका फ्यूज के थ्रू आता है बाहर से, ये जो फ्यूज है ये फ्यूज के थ्रू इस पिन को कनेक्ट किया गया है। ठीक है, अगर ये फ्यूज खराब हो तो आपका चार्जिंग एम्पियर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो किट सही है कि नहीं है उसके लिए मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, ये देख सकते हो मैं डीसी मोड पे सेट कर लिया मीटर को। तो अभी मैं किट सही है या नहीं है, मतलब काम कर रहा है कि चार्जिंग सर्किट दे रहा है या नहीं दे रहा है, उसके लिए मैं भी आपको दिखाता हूँ। इसको हमने यहाँ पर न्यूट्रल लगा दिया हूँ, जो कि आपको और एक को चेक करना पड़ेगा यहाँ पर, जो 14 आ रहा है देख सकते हैं 14 वोल्ट आ रहा है, मतलब आपका सर्किट जो है वो सही। और इसको कहाँ पर चेक टच किया मैंने, जो यहाँ पर एक रेजिस्टर जिनर है और आपका एक डायड है, जो कि इस यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर हमको डीसी मोड में दिखाता है 14-15 तक आता है, तो हमारा सर्किट सही है। तो हमको इस लूप्स में ऐसे नहीं आने पर इस प्रॉब्लम में होता है, तो इस लूप पे ऐसे चेक करने के लिए मुझे थोड़ा सा परेशानी हो रहा है यहाँ पर। तो अभी कोशिश करता हूँ, मीटर को ऐसे पे सेट करता हूँ। ठीक है, तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से, तो देख सकते हैं 21 आ रहा है, मतलब ओनली 21 आ रहा है देख सकते हैं। तो हमारा जो फ्यूज है वो हमारा काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम पहले फ्यूज को चेक करेंगे इसका। ठीक है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी है ये चार्जिंग का फ्यूज है, देख सकते हैं ये चार्जिंग का फ्यूज है, जो कि हमको इसको खोलना पड़ेगा। इसको खोलने से हम इसको चेक करते हैं, ये खराबी होगा तो कभी कभी क्या होता है इसके अंदर में कार्बन होता है, तब भी आपको ये काम नहीं करता है, फ्यूज सही होता है।
तो हम इस फ्यूज़ को चेक करते हैं कंटिन्यूटी से, मेरा कंटिन्यूटी रखता हूँ और फ्यूज़ को चेक करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा ये फ्यूज जो है वो कट चुका है, देख सकते हैं कुछ कम नहीं कर रहा है फ्यूज़। तो हमको फ्यूज़ चेंज करना पड़ेगा पहले, उसके बाद ही हमको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप उसको ध्यान दें फ्यूज़ के, अगर आपका इन्वर्टर चार्जिंग से नहीं आ रहा है तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा फ्यूज़ हम यहाँ से नया फ्यूज़ लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फ्यूज़ है, तो इसको यहाँ पर इन करूँगा। ठीक है, तो इसको बिठाऊँगा, तो इसको लगा दिया। लगाने के बाद आपको इसको टाइट करना है, ढीला मत छोड़िए, इसको टाइट करिए। अभी हम इसको पावर देते हैं। ठीक है, अब मैं इसका पावर दिया हूँ, तो अभी हम देख सकते, आपको दिखाओ सीरीज में देख सकते थोड़ा जल रहा है हमारा बल्ब। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा चार्जिंग आ चुका है, तो यहाँ पर भी हमारा डांस करता है। ठीक है, अच्छे से। तो अभी मैं इसको इसको डायरेक्ट दिया हूँ। अभी जो यहाँ पर पंखा भी चल रहा है देख सकते हैं, अभी इसका लूप जो है वो आ चुका है। तो यहाँ पर हमारा एम सी भी है, वो भी साउंड आ रहा है। तो ये हमारा हो चुका है इन्वर्टर। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर से कीजिए। ठीक है, और जो लोग नया है मेरे चैनल पर वो लोग जरूर से सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन को ऑल करें सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो यहाँ पर ही समाप्त करता हूँ। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, आप अगर इस इन्वर्टर को खरीदार करना चाहते हैं तो इसका मॉडल नंबर है आपका 9EV900। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस इन्वर्टर को आप लेना चाहते हो तो ये फुल्ली साइन अप मॉडल का है इन्वर्टर। ठीक है, तो 3899 रुपीज़ का यह है और ये अमेजोन पे है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आप अगर खरीदार करना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा फुल्ली डिस्काउंट दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको अगर लेना चाहते हो तो अमेजोन पर जाकर जरूर से ले सकते हो। तो इसका कुछ खासियत मैं बता देता हूँ, इसमें जो 800V है इसका, ठीक है, तो 672 वाट का डिजिटल इन्वर्टर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आपका जो इनपुट सप्लाई है जहाँ पर लो एसी का सप्लाई लो है, मतलब 100 से कम है, तो यहाँ पर 100 से लेके 300 तक ये इनपुट कैपेसिटी रखता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें अगर बिजली चला जाए तो इन्वर्टर में जैसे आपका साउंड आता है पंखा चलने पर, लेकिन इस मॉडल में कुछ भी आपको साउंड देखने को नहीं मिलेगा, मतलब सुनने को नहीं मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप अगर खरीदार करना चाहते हो अमेजोन पर जाके इसको ले सकते हो, लेकिन ये फुल्ली साइन अप मॉडल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कंपनी के थ्रू से ही रिपेयरिंग ज़्यादातर होता है।